नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग एक व वर्ग दो से संबंधित टॉपिक पर। आज का टॉपिक रहेगा विशेष तौर पर ओबीसी आरक्षण से संबंधित विषय पर। तो आज के प्रश्न में आज के स्टॉप वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि ओबीसी को जैसे कि आपको जानकारी है कि हाईकोर्ट ने निश्चित दिया है कि जो ओबीसी को 27% आरक्षण है वह 14% पर ही भर्ती की जाए, 13% पर रोक लगा दी जाए। तो यदि ओबीसी के जो 13% सीटें हैं वो उस पर रिश्ती लगता है और ओबीसी की जो भर्ती है वह 14% सीटों पर होती है, तो क्या उसे वर्ग एक व वर्ग दो में नुकसान होगा कि नहीं होगा? नुकसान होगा तो कितना होगा, क्या अत्यधिक नुकसान झेलना पड़ेगा कि कम? इस विषय पर विशेष तौर पर हम बात करेंगे। यदि ओबीसी की जो अभी लिस्ट बनी थी 27% पर जो लिस्ट बनी थी यदि वह आरक्षण 14% होता है तो ओबीसी के कैंडिडेट को अत्यधिक नुकसान होगा, क्योंकि यदि एक भी सीट का नुकसान होता है तो वो एक व्यक्ति की ज़िंदगी का सवाल होता है। हम ये नहीं मानते कि दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी संवरेगी कि नहीं संवरेगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ओबीसी पर, तो ओबीसी को उसका नुकसान होगा। 13% सीटें जो बचेंगी वह अभी तो होल्ड रखेंगी, अब होल्ड का पता नहीं कि कब तक निराकरण होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है होल्ड का निराकरण मान सकते कि 10 अगस्त को भी क्लियर हो सकता है, इसके बाद का भी टाइम लग सकता है क्योंकि भविष्य की कोख में क्या रखा है किसी ने देखा नहीं है। अधिक समय लगता है तो वो 13% सीटें उसी प्रकार होल्ड रहेंगी। इसके बाद सेकंड बात हुई, अब यदि वह 13% ओबीसी को नहीं मिलता है, 14 ही रहता है, तो वो कहाँ जाएंगी? अनरिजर्व में। जब वो सीटें अनरिजर्व में जाएंगी तो 13% सीटों में हर कैटेगरी की फाइट करेंगे, SC को भी मिलेंगी, ST को भी मिलेंगी, OBC को भी के भी कुछ कैंडिडेट उसमें जाएंगे, EWS के भी जाएंगे और रिजर्व के भी रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि OBC की जो 13% सीटें होल्ड पर रखी गई हैं यदि वो होल्ड पर रहती है तो भी OBC कैंडिडेट का नुकसान है, अनरिजर्व को जाती हैं तो भी उनका नुकसान है। तो यदि आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जो OBC को 27% आरक्षण के तहत मेरिट व बिटिंग तैयार की गई थी यदि नहीं मिलता है तो जो कैंडिडेट है 27% आरक्षण में मेरिट में हैं और 14 में नहीं आते हैं तो उनका क्या होगा, तो इस वीडियो पर हम बात करेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।